हाय गाइस, आज की वीडियो में हम आपको सामान्य बुखार या ज्वर या फीवर के विषय में डीप जानकारी देंगे। इसके पहले मैंने कोल्ड एंड फ्लू पर एक वीडियो बनाकर डाला है जो कि फीवर का एक कॉज है। कोल्ड एंड फ्लू और फीवर दोनों में कुछ दवाइयां कॉमन है, अतः कोल्ड एंड फ्लू वाली वीडियो को जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो आइए अब बुखार के बारे में डिस्कस करते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इससे अधिक तापमान होने पर बुखार के संकेत मिलने लगते हैं। बुखार कई तरह के होते हैं जिनके विषय में मैं अगले वीडियोस में डिटेल डिस्कशन करूंगा। यहां मैं जनरल फीवर के बारे में बात करूंगा। नवजात शिशुओं या इन्फेंट्स का यदि बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से जरा भी अधिक हुआ, उदाहरण स्वरूप यदि टेम्परेचर 100 डिग्री फारेनहाइट हुआ, तो जरा भी ढिलाई नहीं करनी चाहिए और तुरंत बाल रोग विशेषज्ञ या पीडियाट्रिशियन या किसी योग्य फिजिशियन को दिखाना चाहिए। 12 वर्ष के नीचे तक के चिल्ड्रन के केस में भी उनकी एक्टिविटीज या चंचलता में सुस्ती आने पर या स्लैकनेस आने पर फिजिशियन या पीडियाट्रिशियन को तुरंत दिखाना चाहिए। एडल्ट या वयस्क के मामले में अर्थात 12 वर्ष के ऊपर तक के व्यक्तियों के मामले में यदि तापमान 98.6 डिग्री फारेनहाइट से अधिक है और 3 दिन से ज्यादा परसिस्ट करे तो रोगी को चिकित्सक से सलाह लेना चाहिए, अन्यथा बुखार फील होते ही दवा शुरू कर देनी चाहिए। फीवर अपने आप में कोई डिजीज नहीं है, वरन बीमारी का सिम्टम है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर के किसी अंग में इन्फेक्शन या संक्रमण होने पर शरीर उसे फाइट करने के लिए अपना तापमान बढ़ा लेती है। फीवर होने के कॉजेस कई हो सकते हैं। ये वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण अधिकांशतः होते हैं। इसके अतिरिक्त लगातार एंटीबायोटिक्स के उपयोग के बाद भी माइल्ड फीवर बना रहता है। तेज धूप या लू अर्थात हीट स्ट्रोक से भी फीवर हो जाता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस या जोड़ों में संक्रमण होने के कारण या जोड़ों में सूजन होने पर इन्फ्लेमेशन होने पर भी फीवर का कारण बनता है। कुछ प्रतिरोधक टीके या इंजेक्शन लगने पर भी फीवर आ जाता है। कोई दर्द असहनीय होने पर भी फीवर आ सकता है। फीवर शुरू होने पर अनइजीनेस, शरीर में थकावट, सुस्ती और काम करने की अनिच्छा उत्पन्न होते हैं। कभी कभी तेज सिर दर्द, आंखों में जलन, ठंड लगना, पसीना निकलना या स्वेटिंग, नौशिया की फीलिंग अर्थात उल्टी आने की अनुभूति, सांस लेने में तकलीफ, कपकपी महसूस होना अर्थात शिवरिंग, मानसिक उलझन स्ट्रेस, तेज रोशनी से उलझन होना आदि फीवर के लक्षण है। फीवर होने पर पर्सनल हाइजीन का पालन करना चाहिए, जैसे काम करने के बाद, भीड़ भाड़ वाली जगह से आने के बाद, संक्रमित जगहों से आने के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धो लेना चाहिए और अपने बच्चों और परिवारजनों को भी इसकी शिक्षा देनी चाहिए। साबुन न होने पर सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए। अधिक चिल्ड या बासी भोजन नहीं करना चाहिए। ताजी सब्जियां, ताजा फूड, ताजा खाना खाना चाहिए। अपनी आंख, नाक और मुंह को छूने से अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वायरसेस का संक्रमण इन्हीं अंगों से जल्दी होता है। मुंह और नाक को खांसते समय व छींकते समय रुमाल से ढके रखना चाहिए। जूठे बर्तनों को अवॉइड करना चाहिए, जूठे बर्तन का प्रयोग भी अवॉइड करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, अब फीवर के रोकथाम हेतु कुछ होम्योपैथिक रेमेडीज के विषय में डिस्कशन करते हैं। पहला, एकोनाइट नैप। जब फीवर की शुरुआत हो या मेलियस फीलिंग हो और शरीर में जलन का अनुभव हो तो एकोनाइट की रिपीटेड डोजेस से बहुत शीघ्र आराम मिलता है। ब्लड आना। जब पेशेंट को बुखार हो और ठंड लगे, शरीर में दर्द हो, गले में दर्द हो, टॉन्सिल्स या फेरिंग्स में दर्द हो या सूजन हो अर्थात टॉन्सिल्स या फेरिंग्स में इन्फ्लेमेशन हो, तो बेलेडोना की 3 डोजेस लगातार इंटरवल देके लेने पर बहुत लाभ होता है। इन्फ्लुएंजा। जब बुखार के साथ ठंड लगे, छींके आए, नाक बहने लगे एवं फ्लू जैसे सिम्टम्स दिखाई दे तो इन्फ्लुएंजा से बहुत लाभ मिलता है। रस्टक्स। अधिक परिश्रम से या ओवरबर्डन होने पर, बारिश में भीगने पर, पानी में अधिक देर तक काम करने पर, थकावट लगने से, इन सब के कारण यदि बुखार आए और शरीर में दर्द हुआ तो रस्टक्स लेने पर बहुत आराम मिलता है। चिनिनम आर्स, जो कि चाइना और आर्सेनिक से मिलकर बना है। इसका प्रयोग जब बुखार में कपकपी भी साथ में आए अर्थात शिवरिंग भी हो और मलेरिया जैसे लक्षण उत्पन्न हो तो चिनिनम आर्स से बहुत लाभ मिलता है। फेरम फॉस, यह सामान्य बुखार बहुत लाभदायक है। यह बायोकेमिक में भी मिलता है, जिसकी 6-6 पोटेंसी की दवा 4-4 टैबलेट्स पानी में घोलकर दिन में 3-4 बार लेने से आराम मिलता है। क्या वो मिला? जब बच्चों में दांत निकलते समय डेंटिशन प्रॉब्लम के कारण बुखार आए, साथ में दस्त भी हो, तो कैमोमिला का बहुत अच्छा रोल है। आर्सेनिक एल्बम। जब मानसिक तनाव और स्ट्रेस के साथ फीवर हो और बेचैनी भी महसूस हो तब आर्सेनिक का इफेक्टिव रोल होता है। एपिस्मेल। जब पेशेंट के शरीर में चुभन सी हो रही हो,
तब एपिस का बहुत अच्छा प्रयोग होता है, उसका बहुत अच्छा रोल होता है और पेशेंट को बहुत लाभ मिलता है। जेलसीमियम, जब बुखार तो हो ही और छींक भी आए और साथ ही होसनेस इन वॉयस हो, तब जेलसीमियम की 3-4 डोजेस से बहुत जल्द आराम मिल जाता है। बैक्टीशिया, यदि बुखार परसिस्ट करे और किसी भी दिन 24 घंटे के लिए भी टेम्परेचर नॉर्मल ना हो पाए, अर्थात किसी दिन कंप्लीट रेमिशन ना हो, साथ ही जीभ पर व्हाइट कोटिंग भी हो, तो एंटेरिक फीवर या टाइफाइड की संभावना होती है। ऐसे में बैक्टीशिया का बहुत बड़ा इफेक्टिव रोल है। एंटी क्रूड, जीभ पर व्हाइट कोटिंग हो तो यह बहुत लाभदायक होता है। साधारणतः टाइफाइड या एंटेरिक फीवर के पेशेंट को बैक्टीशिया और एंटी क्रूड दोनों की ऑल्टरनेट डोजेस देने पर शीघ्र ही रेमेडी मिल जाती है। पल्सेटिला, यदि फीवर का नेचर चेंजिंग हो और शरीर में बेचैनी हो, किसी कारण से खुजली जैसी फीलिंग हो, तो पल्सेटिला 200 से बहुत आराम मिलता है। ब्रायनिया, यदि बुखार के साथ खांसी भी हो और खांसने के कारण चेस्ट में पेन होता हो, तो ब्रायनिया 200 पोटेंसी में 3-4 डोजेस लेना है। डल का मारा, यदि फीवर चेंजिंग सीजन हो अर्थात मौसम परिवर्तन में हो, पीठ में बहुत दर्द हो, खासकर लोअर बैक पेन हो, तो डल का मारा 200 की 3 डोजेस में बहुत लाभ मिलता है। तो आइए दोस्तों कुछ अन्य उपयोगी नुस्खों के बारे में भी जान लेते हैं, जो बुखार के ट्रीटमेंट के साथ करने से और अधिक लाभ मिलता है। एक तो गर्म दूध में थोड़ी सी पिसी हल्दी डालकर घूंट घूंट करके पीने से बुखार और शरीर के दर्द में शीघ्र ही आराम मिलता है। पानी बार बार पीना चाहिए, गुनगुना पानी हो तो बहुत ही अच्छा, जिससे शरीर में पानी का प्रॉपर लेवल मेंटेन हो सके और पानी के साथ बैक्टीरिया एवं वायरसेस जल्दी निकल जाते हैं। तुलसी की पत्ती, अदरक, लौंग, काली मिर्च, गिलोय आदि का काढ़ा बनाकर उसे थोड़ी सी पिसी मिश्री या चीनी मिलाकर पीने से बहुत लाभ मिलता है। आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक थम्स अप जरूर दीजिएगा ताकि हमारा उत्साह बना रहे। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको कौन से रोग से रिलेटेड दवाइयों के बारे में जानना है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा उससे रिलेटेड वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचाने की। धन्यवाद।